नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दूध हर घर में आता है, ऊपर से मलाई भी आती है और हम उसका घी भी बनाते हैं और हर घर में अलग तरीके से घी बनता है। आज मैं आपको बिल्कुल इजी वे में घी बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। आज हम कुकर में मलाई से घी बनाएंगे, जो कि सिर्फ 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा और ना उसके लिए हमें ज़्यादा मिक्सी की ज़रूरत, नहीं ब्लेंडर की ज़रूरत। तो आज मैं उसका जल्दी से घी बना के दिखाऊँगी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें कैसे करना है। तो उसके लिए हम एक कुकर लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे और हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे। और ये देखिए, ये मेरी 5 दिन की मलाई है और मैंने इसको फ्रीजर में रखा हुआ था और मैंने इसको 2 घंटे पहले बाहर निकाल दिया था और अब हम इसमें ये डाल देंगे। एकदम पानी में अच्छी तरह से मिल जाए फिर हम इसका लिड लगा देंगे। ये बिल्कुल इजी तरीका है घी गर्म करने का। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ी सी घर में स्मेल भी हो जाती है घी की, और इसमें आधा घंटा तो लगता ही है, करीब करीब 25-30 मिनट। ये बिल्कुल देखिए 5 मिनट में ही हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये पिघल चुका है और अब हम इसका लिड लगा देंगे और फुल गैस पे हम इसको 2 विसल आने देंगे। तो देखिए, मैंने इसमें 2 विसल दिलवा ली है और इसकी स्टीम को मैंने अपने आप ही निकलने दिया। और ये देखिए, अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मलाई जो है हमारी, ये फट चुकी है इसमें और घी थोड़ा ऊपर आ गया। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी। हम इसमें बिल्कुल हल्का सा मीठा सोडा डालेंगे ताकि जो फटी हुई मलाई है उसमें से घी जल्दी से अलग हो जाए। ये देखिए, और अब मैं इसको लगातार चलाते हुए मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पका के फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ। और देखिए, ये हमारा घी बनकर तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आया है। और अब मैं इसको गैस को बंद कर देंगे हैं और हम छान लेंगे। और जो नीचे की खुरचन है हम उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। उससे भी मैं आपको एक अच्छी सी डिश बना के दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी घी होता है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी डाल के आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे डिश बनाऊंगी। ये देखिए, देखिए ये घी हमारा बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप कोशिश कीजिए कि घर में ज़्यादा देसी घी यूज़ कीजिए, कम कीजिए लेकिन देसी घी यूज़ कीजिए। बच्चों के ले जो भी बनाइए, देसी घी में बनाइए, क्योंकि हमने तो अपने टाइम में बहुत खाया है देसी घी। अब बच्चों का टाइम है तो आप उन्हें भी खिलाइए, आप रिफाइंड के चक्कर में मत पड़िए। तो अब जो बची हुई नीचे की खुरचन है, ये देखिए, अब मैं चाहूँ तो इसको अलग कुकर में डाल सकती हूँ, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा जल गया है कुकर, नहीं तो मैं इसी में बना देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1/2 कप के करीब दलिया लिया है। ये देखिए भी, जिसको ब्रोकन मीट भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी। हमें इसमें अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना इसमें काफ़ी सारा घी है, और क्योंकि नीचे की बची हुई मलाई का पनीर टाइप भी बना हुआ है तो बहुत टेस्टी बनता है। और ये ज़्यादा दिनों की मलाई नहीं है तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा ये। और मैं इसी टाइम इसमें कुछ नट्स डाल देती हूँ। ये देखिए, जब इसकी अच्छी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए तब तक आप इसको भूनिए। मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डालूंगी और इसमें हम 1/2 कप के करीब दूध डाल देंगे। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब सौंफ डालूंगी। सौंफ का टेस्ट मिर्च में बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम लिड लगाकर 1 विसल आने तक पकाएंगे। देखिए हमारा दलिया, जिसको कि राजस्थान में लापसी भी बोलते हैं, बनकर तैयार है। ये देखिए, और मैं इसको आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए हम इसको थोड़े से नट्स से और गार्निश कर देंगे। देखिए कितना टेस्टी और हेल्दी हमारा ये बीटरूट का दलिया भी बोलिए, जिसको आप लापसी भी बोलते हैं कई जगह पे, वो तैयार है बनके। और देखिए हमारा घी के बचे हुए घी में से ही बना है, मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी नहीं डाला, फिर भी देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। अगर आपके बच्चे घी लाइक करते हैं तो आप ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, अच्छी सी इसमें शाइन आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे आपसे ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप जुड़े रहिए। थैंक यू।